Welcome back to our channel Study Point. आज हम लोग breakdown of components के बारे में पढ़ेंगे कि components का हम breakdown क्या कर क्यों करते हैं, ये components होते हैं क्या है, ठीक है? देखो, let's start. अगर मान लो हमारी कोई एक force है इस direction में लग रही है, ठीक है, तो हम इसको simply बोल सकते हैं कि horizontal direction में लग रही है, ठीक है? अगर कोई force हमारी ऐसे लग रही है तो simply हम इसमें बोल सकते हैं vertical direction में लग रही है. Horizontal का मतलब ये है, जैसे ये duster है, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के खींचू तो इधर जाएगा, अगर मैं इसे ऊपर से पकड़ के खींचू तो जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा. लेकिन अगर मैं इसको बोल दूं कि मुझे इसको ऐसे खींचना है तो इसका इसमें क्या रोल होगा कि अगर मुझे इस डस्टर को इस तरह खींचना है किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो सिंपली क्या होता है, जैसे ये है, मान लो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के खींचता हूं तो ये कुछ इधर भी जाएगा, कुछ ऐसे ऊपर भी उठेगा, मतलब कुछ ये इधर भी जाएगा, कुछ ऊपर भी उठेगा, कुछ एक्स एक्सरसाइज में भी मूवमेंट होगी इसकी एक्स एक्सिस में और कुछ वाई में भी इसकी मूवमेंट होगी. तो वही कंपोनेंट को हमें सिंपली रिजॉल्व करना है कि जस्ट इमेजिन अगर इधर हम इस पे 5 किलो न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो ये एक्स में कितनी ताकत से खींचेगा और वाई में कितनी ताकत से खींचेगा. यही हमारा होता है कंपोनेंट का ब्रेकडाउन. कि देखो अब जैसे अगर हम इसी फोर्स एग्जांपल ले लूं तो इसका ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये इसका वर्टिकल होगा, ये वाला इसका वर्टिकल होगा, ठीक है? अब इसके साथ मान लो ये हॉरिजॉन्टल के प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रही है कि जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, क्लियर? कोई भी फोर्स के साथ ये हमने ड्रॉ कर लिया सिंपली. इसके बाद सिंपली कि 5 किलो न्यूटन का कुछ ना कुछ कंपोनेंट इस पे आएगा और कुछ ना कुछ वाई में भी आएगा, तो वही सिंपली हमको रिजॉल्व करना है. हमेशा याद रखना है कि जो थीटा होता है या कोई भी जहां तुम्हारा एंगल बनता है उसके साथ हमेशा कॉस जाता है. इसका मतलब क्या है, यहां पे जो फोर्स लगेगी वो होगी तुम्हारी 5 कॉस थीटा, मतलब जो मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है वो और कॉस के साथ थीटा. तो अपोजिट में कौन सी लगेगी, अपोजिट में सिंपली सी बात है 5 साइन थीटा, कि उसी का सेम कंपोनेंट साइन के साथ आता है, ठीक है? तो अब इसका रीजन जान लेते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है, क्या इन दोनों को दोबारा सम अप करने से ये आएगा? तो ये हमारा है वेक्टर एडिशन. देखो वेक्टर एडिशन में क्या होता है, अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं अंडर रूट में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू यहां पे हमारा अंडर रूट में 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए का स्क्वायर होता है, प्लस 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा सिंपली होता है. अगर इसमें हम 5 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहां पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू इतनी होती है 1, ठीक है? अब यहां से सिंपली ये कितना आ जाएगा, बाहर निकाले तो 5 आ जाएगा. देखो सिंपली रिजल्टेंट की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है. तो लेकिन ये सब हमें याद नहीं रखना है, ये तो सिर्फ मैंने सिंपली उसका रीजन दिया है ऐसा क्यों करते हैं हम लोग. रियल में ये कंपोनेंट रिजॉल्व हम लोग ऐसे करते हैं कि हमेशा एंगल के साथ कॉस जाएगा, अपोजिट में साइन जाएगा. सिंपली एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो ये है हमारा 10 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है, लेकिन इस बार ये यहां से थीटा एंगल बना रही है, तो अब क्या करा जाएगा, अब यहां पे 10 cos थीटा आ जाएगा और यहां पे 10 sin थीटा आ जाएगा, क्लियर दोस्तों? वही देखो फिर से एंगल के साथ हमेशा cos गया है, यही है रिजॉल्विंग ऑफ कंपोनेंट और मैकेनिक्स का बहुत बेसिक पार्ट है, तो ये आना बहुत जरूरी है. आई होप आप लोगों को रिजॉल्विंग ऑफ या ब्रेकडाउन ऑफ कंपोनेंट समझ में आ गया है. अगर आप लोगों को आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. दैट्स इट.